गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इन कंटिन्यूएशन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, टुडे वी आर गोइंग टू टेक हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो जब भी हम हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करते हैं तो हम एक सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? इज़ द कलेक्शन ऑफ ग्लैंड्स। ये जो डिफरेंट ग्लैंड्स हैं उनका कलेक्शन है। दैट प्रोड्यूसेस हार्मोन दैट रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म, जो कि डिफरेंट हार्मोन सीक्रेट करती है और उन हार्मोन से रेगुलेट करेगी हमारे मेटाबॉलिज्म को, जिसमें कैटाबॉलिज्म भी होगा, एनाबॉलिज्म भी होगा। हमारी ग्रोथ को रेगुलेट करेगी, हमारे डेवलपमेंट को रेगुलेट करेंगी, हमारे जो टिश्यू फंक्शंस हैं उनके बारे में बात करेंगे, टिश्यू डिफरेंशिएशन में भी अपना रोल प्ले करेंगे, सेक्सुअल फंक्शन, डिफरेंट काइंड ऑफ वी कैन से गैमेटोजेनेसिस एंड ऑल दिस प्रोसेस, ठीक है। रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स बाय द मैचुरेशन ऑफ वी कैन से गोनेट्स एंड प्रोड्यूसिंग ऑफ गैमेट्स, ये सभी प्रोसेस होगी। इट इज़ ऑल्सो रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ स्लीप, ठीक है। आपकी नींद को भी कंट्रोल करता है, आपकी मूड को भी ये कंट्रोल करता है, ठीक है। सो ऑल दीज एक्टिविटीज़, यूँ कह लीजिए कि हमारी लाइफ के मैक्सिमम जो लाइफ प्रोसेसेस है, ऑल दिस लाइफ प्रोसेसेस आर रेगुलेटेड बाय द डिफरेंट हार्मोन्स एंड दीज हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय आवर ग्लैंड्स एंड दीज ग्लैंड्स विच सीक्रेट्स हार्मोन्स, द ग्रुप ऑफ दिस ग्लैंड्स इज कॉल्ड एज सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू टेक ऑल दिस ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस। सो दिस डायग्राम इज गिवन ऑन आवर फ्रंट पेज। सो सबसे पहले इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सो दीज आर द वेरियस ग्लैंड्स प्रेजेंट इन आवर एंडोक्राइन सिस्टम। पिट्यूटरी ग्लैंड, द पीनियल ग्लैंड, द थायराइड ग्लैंड, द थायमस ग्लैंड, पैनक्रियाज, ठीक है। पैनक्रियाज इज द ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, बट ऑल्सो सिक्रेट्स ऑफ हार्मोन्स, दैट्स वाई इट इज इंक्लूडेड इन अवर एंडोक्राइन सिस्टम ऑल्सो। एंड एड्रेनल ग्लैंड्स, ओवरी इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल इंडिविजुअल, बट समटाइम ऑल्सो सिक्रेट्स some hormones, that is why it is a part of endocrine system too. Testes is the part of male reproductive system, but secretes hormones, that is why it is also a part of endocrine system. So in our syllabus there are few hormones are given and their functions are also given, what will be the consequences of their hyper and hyposecretion. सो चलिए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में हम। बेसिकली एंडोक्राइन मीन्स द डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लैंड्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। आप सोच रहे होंगे कि जैसे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में सलाइवरी ग्लैंड के बारे में भी पढ़ा, गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में पढ़ा, इंटेस्टाइनल ग्लैंड के बारे में भी पढ़ा, तो वो कौन सी ग्लैंड है, ठीक है। तो चलिए हम पहले, इससे पहले कि हम एंडोक्राइन सिस्टम पर जाते हैं, हम टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ ग्लैंड इज कॉल्ड एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, द सेकेंड टाइप ऑफ ग्लैंड इज कॉल्ड एज एंडोक्राइन ग्लैंड, एंड द थर्ड टाइप ऑफ ग्लैंड इज कॉल्ड एज हेट्रोक्राइन ग्लैंड। सो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड? एक्सोक्राइन ग्लैंड, दीज ग्लैंड्स हैव डक्ट फॉर सिक्रेशन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। क्या है इनके पास में? डक्ट है। दे हैव डक्ट फॉर सिक्रेशन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। स्वेट ग्लैंड एंड सलाइवरी ग्लैंड मीन्स जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड है, जो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ी थी, है ना, जो आपने गैस्ट्रिक ग्लैंड आपने पढ़ी थी, जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड आपने पढ़ी थी, ठीक है, जो आपने लीवर के बारे में सुना था, ये जितने भी ग्लैंड्स जो भी मैंने नाम लिया है आप इनको नोट कर लीजिएगा, ऑल दिस आर द एक्सोक्राइन ग्लैंड। व्हाई दे आर कॉल्ड एज एक्सोक्राइन ग्लैंड? बिकॉज ऑफ दे हैव अ स्पेशल डक्ट। उनके पास एक डक्ट है, एक ट्यूब है ना, और उस ट्यूब के थ्रू वो एक डेफिनेट जगह पर अपना सिक्रेट करते हैं, एक डेफिनेट जगह पर, ठीक है, डायरेक्टली उस ऑर्गन के अंदर, जिस ऑर्गन में उनको अपना फंक्शन प्ले करना है वहीं पर उसका सिक्रेशन कर देगी वो। तो सच काइंड ऑफ ग्लैंड्स आर कॉल्ड एज
एग्जोक्राइन ग्लैंड, एग्जोक्राइन ग्लैंड मीन्स ग्लैंड्स विथ डक्ट एंड दे सीक्रेट देयर सेक्रेशन एट अ डेफिनेट प्लेस, ठीक है। लेकिन हम बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, और दिस ग्लैंड्स लेक डक्ट एंड पास देयर सेक्रेशन इन टू द सराउंडिंग ब्लड फॉर ट्रांसपोर्ट टू द साइट ऑफ एक्शन। पिट्यूटरी एंड थायराइड ग्लैंड्स आर द एग्जांपल्स ऑफ, ये जितनी भी अभी जो इसके पहले भी हमने बात करी थी, जब पीनियल ग्लैंड के बारे में बात करें, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करें, थायराइड के बारे में बात करें, पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में बात करें, थाइमस ग्लैंड के बारे में बात करें, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बात करें, तो ये जितनी भी ग्लैंड्स हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, क्योंकि इनके पास में कोई डक्ट नहीं है, डक्टलेस है, ठीक है। दे लेक डक्ट, डक्टलेस ग्लैंड है, और ये अपना सिक्रेशन कहाँ पर करती है, ब्लड के अंदर करती है, ठीक है। और ब्लड इसको ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन उस हार्मोन की स्पेशलिटी ये होती है कि वो सिर्फ अपने टारगेट ऑर्गन पर ही जाकर अपना फंक्शन प्ले करता है, ठीक है। ब्लड ट्रांसपोर्ट दिस हार्मोन इन टू द एंटायर बॉडी, बट दिस हार्मोन्स विल वर्क ऑन ओनली द पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन, ठीक। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, एंड एग्जो और एंडोक्राइन में ये डक्टलेस है, सॉरी एग्जोक्राइन मीन्स डक्ट, ग्लैंड विथ डक्ट, एंडोक्राइन विदाउट डक्ट, दे सिक्रेट एट अ डेफिनेट प्लेस देयर सिक्रेशंस, एंड दिस एंडोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रेट देयर सिक्रेशन इन टू द ब्लड, ठीक है। और यहाँ पर स्पेशली बात करें हम एग्जोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, तो इनके सिक्रेशन जनरली एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। लेकिन इनके जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। तो ये खास बातें याद रखिएगा, क्योंकि अभी होमवर्क क्वेश्चन में या प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपसे मैं पूछने वाला हूँ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। अब हेटरोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात कर लें, दीज ग्लैंड्स कंसिस्ट ऑफ बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन नेचर, एक्सोक्राइन नेचर भी है, एंडोक्राइन नेचर भी है, एंड परफॉर्म बोथ फंक्शंस, दोनों फंक्शंस प्ले करते हैं। पेनक्रियाज के बारे में, पेनक्रियाज एंड गोनेट्स, कौन से गोनेट्स आर मिक्सड ग्लैंड, द एंडोक्राइन पार्ट्स ऑफ द पेनक्रियाज सीक्रेट्स हार्मोन्स लाइक इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन, पेनक्रियाज क्या सीक्रेट करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन, एंड पोर्शन सीक्रेट एंड एक्सोक्राइन जो पोर्शन होता है सीक्रेट्स पेनक्रियाटिक जूस, जब वो डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करेगा तो वो क्या करेगा, पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करेगा, और जब उसको एंडोक्राइन नेचर अपना शो करना है तो उस समय वो इंसुलिन को सिक्रेट करेगा और ग्लूकेगॉन को सिक्रेट करेगा, ठीक है। इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज को डाउन करेगा, ठीक है। लेकिन ग्लूकागॉन क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाएगा, जब आप स्टारवेशन पे होंगे, जब आप भूखे हैं, जब आपने उपवास किया है तो उसको उस दौरान ये ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा देगा, लेकिन जब आपने खाना खाया है तो तुरंत आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगता है, उसको डाउन करने का काम इंसुलिन करता है, और ग्लूकागॉन उसका अपोजिट हार्मोन है जो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा एट द टाइम ऑफ स्टारवेशन। तो ये पैनक्रियाज इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हेटरोक्राइन ग्लैंड विच शोज बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन नेचर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हेटरोक्राइन या मिक्सोक्राइन ग्लैंड जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स एंड देयर एग्जांपल्स आल्सो गिवन, इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारे जो डिफरेंट ग्लैंड्स हैं उनके कौन कौन से हार्मोन्स उनसे उनके थ्रू सिक्रेट होते हैं और वो कौन कौन से फंक्शंस प्ले करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, हालांकि और भी बहुत सारे हार्मोन हैं, हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं दिया हुआ है इसलिए हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करें। तो ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करता है और रेगुलेट ग्रोथ, जो कि हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, है ना। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इट कंट्रोल्स ये ग्रोथ हार्मोन का, तो ये रेगुलेट करने का ही फंक्शन है, लेकिन जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो डिफरेंट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स भी सिक्रेट करती है। फॉर एग्जांपल थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन TSH,
तो ये हार्मोन जब पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होगा, यहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होगा, तो ये थायराइड ग्लैंड को जाकर स्टिमुलेट करेगा ताकि वो अपने हार्मोन्स बनाए। इस तरीके से ये अदर हार्मोन जैसे कि एड्रीनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन ACTH, एड्रीनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन सिक्रेट करती है, जो कि यहाँ से सिक्रेट होकर एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर जाएगा, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है इसमें डायग्राम में, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड, तो वहाँ जाके उस एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा ताकि वो अपने अपने हार्मोन्स बनाए। ठीक है, इसी तरीके से ये LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन भी सिक्रेट करता है फीमेल इंडिविजुअल में, ओव्यूलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये LTH लेक्टेनोट्रॉपिक हार्मोन भी सिक्रेट करता है फीमेल इंडिविजुअल में, स्पेशली जहाँ पर ये पार्चुरेशन यानी कि जो बेबी डिलीवरी के बाद में लैक्टेशन मेमरी ग्लैंड में लैक्टेशन को कंट्रोल करता है, उसको लैक्टेशन को इंड्यूस करता है। सो दीज आर द डिफरेंट हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड टू कंट्रोल द अदर ग्लैंड्स, दूसरी ग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए या उनको स्टिम्युलेट करने के लिए। पहले स्टिम्युलेट भी करेगा और उसके बाद में उसको जब काम पूरा हो जाएगा तो उसको इनहेबिट भी करेगा, उसको रोकेगा भी से, उन हार्मोन्स के सिक्रेशन को रोकेगा भी से। तो चूंकि पिट्यूटरी ग्लैंड अपने डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज़ करती है और अदर ग्लैंड्स को भी को कंट्रोल करती है, तो इसलिए इसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल आल्सो कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स आल्सो बाय सिक्रेशन ऑफ डिफरेंट रिलीजिंग एंड इनहेबिटरी हार्मोन्स। कौन कौन से हार्मोन? रिलीजिंग हार्मोन और इनहेबिटरी हार्मोन। जब उन ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करना होगा तो रिलीजिंग हार्मोन, जब उनके सिक्रेशन को रोकना होगा तो इनहेबिटरी हार्मोन का सिक्रेशन करेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद हम आगे बात करें थायराइड ग्लैंड। थायराइड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है? कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म रेट, हमारी जो मेटाबॉलिज्म रेट है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, हमारे अंदर जो डिफरेंट सिंथेटिक प्रोसेस है और डिफरेंट ब्रेकिंग या डाइजेस्टिव प्रोसेस है उनको कंट्रोल करता है। इट आल्सो ब्रिंग अबाउट द बैलेंस्ड ग्रोथ, हमारी जो बैलेंस्ड ग्रोथ है उसके लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल है, यानी कि जो प्रॉपर मात्रा में सिक्रेट अगर होता रहेगा तो हमारी बैलेंस ग्रोथ होती रहेगी, और उसके कम या ज़्यादा सिक्रेशन होने से बहुत एडवर्स इफेक्ट आएंगे जो हम अभी अगली स्लाइड में देखने वाले हैं। इसके बाद हम पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में बात कर लें। जो थायराइड ग्लैंड होती है हमारी, ये जो एच शेप ग्लैंड है ना, थायराइड ग्लैंड कैसी होती है? एच शेप ग्लैंड होती है, और इस थायराइड ग्लैंड के अंदर ही ये एक थायराइड के अंदर दो पैराथायराइड ग्लैंड होती है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सॉरी एक लोब, जो पैरा थायराइड ग्लैंड का एक लोब है राइट लोब और लेफ्ट लोब दूसरा वाला, तो राइट लोब में आपको दो पैराथायराइड ग्लैंड देखने को मिलेगी, उसी तरीके से लेफ्ट लोब में भी आपको दो पैराथायराइड ग्लैंड देखने को मिलेगी, यानी कि टोटल चार पैराथायराइड ग्लैंड होगी, एक दो तीन और चार। ठीक है, ये पैराथार्मोन का सिक्रेशन करती है एंड इट कंट्रोल्स द कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी। कैल्शियम बैलेंस को करेगा, यानी कि क्या करेगा कि जो हमारे ब्लड में जो कैल्शियम होता है उस ब्लड में ब्लड में और बोन में कैल्शियम का जो लेवल है उसको बैलेंस करके रखेगा कि भाई बोन में कैल्शियम का अमाउंट कम ना पड़े और ब्लड में कैल्शियम का अमाउंट ज़्यादा ना हो। ये दोनों ही सिचुएशन हमारे लिए जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। ठीक है, ब्लड में अगर कैल्शियम का लेवल बढ़ा तो हमारा ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब हो जाएगा, और यदि बोन में कैल्शियम लेवल कम हुआ तो बोन जो है वो वीक हो जाएगी। तो ये दोनों ही चीज़ों को कंट्रोल करता है। इस तरीके से एड्रेनलिन एड्रेनल ग्लैंड जो होता है, ये जो हमारी किडनी होती है उस किडनी के ऊपर देखने को मिलेगी आपको, किडनी के ऊपर एक छोटी सी ग्लैंड होती है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एड्रेनल ग्लैंड्स टू है ना, दोनों के किडनी के ऊपर एक एक होती है एड्रेनल ग्लैंड्स। ठीक है, जो कि ये सॉरी यहाँ पर अलग से ये बताया है, एड्रेनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होती है। ठीक है, ये दिस इज़ द एड्रेनल ग्लैंड, और ये हार्मोन को सिक्रेट करती है। इसके अलावा भी बहुत सारे हार्मोन हैं लेकिन एड्रेनलिन हार्मोन को सिक्रेट करती है, प्रिपेयर्ड बाय बॉडी फॉर एमरजेंसी। ठीक है, दिस एड्रेनलिन हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड एज एमरजेंसी हार्मोन बिकॉज ऑफ एट द टाइम ऑफ एमरजेंसी, जब आप अनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं तब ये हार्मोन सिक्रेट होता है, और ये आपकी हार्ट बीट को, आपकी ब्रीदिंग को, आपके रेस्पिरेशन को, आपके सेलुलर रेस्पिरेशन को एकदम से इंड्यूस कर देता है, जिससे कि आपके अंदर ज़्यादा एनर्जी पैदा हो जाती है और आप उस अनफेवरेबल कंडीशन से कोप अप कर पाएंगे।
ठीक है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज वाट इमरजेंसी हार्मोन एड्रेनलिन। अब बात करते हैं हम पेनक्रियास की, जो कि एक मेक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, ये इंसुलिन का सिक्रेशन करती है। इंसुलिन का सिक्रेशन कब करेगी, जब आप खाना खा रहे हैं तो उस कंडीशन में आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल एकदम से बढ़ने लगता है। उस कंडीशन में जो आपका ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन, किस में, ग्लाइकोजन रिजर्व फूड में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है, और इस तरीके से आपके जो ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर है उसके लेवल को कम कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से ये एक दूसरा हार्मोन भी सिक्रेट करता है, दैट इज़ द एंटी हार्मोन, उसका नाम है ग्लूकेगोन। अभी पहले वाली स्लाइड में आपने पढ़ा था ग्लूकेगोन, दैट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ दिस ग्लाइकोजन इंटू ग्लूकोज एट द टाइम ऑफ स्टारवेशन, एट द टाइम ऑफ हंगर, एट द टाइम ऑफ फास्टिंग, जब आप फास्ट करते हैं तब, ठीक है। तो ये पैनक्रियाज यहाँ पर इन दो हार्मोन को सिक्रेट करने का काम करता है, इसलिए इसको एंडोक्राइन ग्लैंड में भी शामिल किया गया है। और चूंकि ये पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है अपने पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू, इसलिए इसको हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड में भी शामिल किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से पेनक्रियास के बारे में आपने जानकारी ली। अब चलते हैं अपन टेस्टिस के बारे में। तो टेस्टिस भी ये, वैसे इसको मिक्सोक्राइन ग्लैंड ना कह के इसको अदर ग्लैंड बोलते हैं। अदर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि दिस टेस्टिस इज द पार्ट ऑफ अवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, वेयर इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। लेकिन ऑल्सो सीक्रेट्स एन हार्मोन, अ हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन सीक्रेट करता है। और टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है, कंट्रोल्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। एंड ऑल्सो इट इज़ इट इंड्यूस द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को भी ये इंड्यूस करता है। सिमिलरली यहाँ पर ओवरी फीमेल में जो है उसको एंडोक्राइन सिस्टम में शामिल किया गया है, जो एज ए अदर ग्लैंड। ये वैसे बेसिकली रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, जो कि ओजेनेसिस की प्रोसेस करती है, ओवम का फॉर्मेशन करती है, लेकिन साथ ही ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन इन हार्मोन्स को भी सिक्रेट करती है। और ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन जो हैं, दे कंट्रोल्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। और साथ में ही ये साथ में ही मेनस्ट्रुअल साइकिल को भी बैलेंस करती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो टेस्टोस्टेरॉन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब टेस्टिस से सीक्रेट होकर ये किसी भी मेल इंडिविजुअल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। उसी तरीके से जो ओवरी से सीक्रेट होने वाले एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन हैं, ये भी जो है फीमेल इंडिविजुअल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द लिस्ट ऑफ डिफरेंट ग्लैंड्स इन अवर एंडोक्राइन सिस्टम, देयर हार्मोन्स दोज सीक्रेटेड बाय दीज ग्लैंड्स, and these are their functions. So this is very 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 important we can say question for exams point of view. किसी भी gland का नाम आपसे पूछा जा सकता है, उसके hormone और उसके function के बारे में पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और आगे चलते हैं अपन कि अगर इन hormones का hyper या hyposecretion होता है तो क्या changes आते हैं हमारी body में, ठीक है, देखते आइए। सो पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट ग्रोथ हार्मोन, एंड ड्यू टू हाइपर सीक्रेशन यानी कि एक्सेस सीक्रेशन, जब इसका एक्सेस सीक्रेशन हो जाएगा तो क्या डिजीज हो सकती है, जायंटिज्म हो सकता है। जायंटिज्म मतलब इंसान ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो जाए, ठीक है, ओवर ग्रोथ हो जाए उसकी, तो जायंटिज्म हो जाएगा। और यदि इस हार्मोन का जो ग्रोथ हार्मोन है, इस ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम होता है, ठीक है, हाइपो सिक्रेशन होता है, इनसफिशिएंट सिक्रेशन होता है, तो ऐसी कंडीशन में ड्वार्फिज्म डिजीज़ हो जाएगी, यानी कि इंसान जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा छोटा रह जाए, बोना रह जाए, ठीक है। तो दिस इज़ द फर्स्ट केस। एंड सेकेंड, थायराइड ग्लैंड रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, हाइपर सिक्रेशन, जब इसका हाइपर सिक्रेशन होता है तो ज़्यादा सिक्रेशन, अगर एक्सेस सिक्रेशन हो जाएगा तो ग्रेव्स डिजीज़ हो जाएगी, ग्रेव्स डिजीज़। अब इसका ग्रेव्स डिजीज़ के क्या सिम्टम, ऐसा इंसान जिसमें हाइपर सिक्रेशन
होगा किसका, थायरॉक्सिन हार्मोन का, ग्रेव्स डिजीज़ के सिम्टम्स आएंगे। क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? एक्सेस स्वेटिंग, इसमें स्वेटिंग काफ़ी ज़्यादा होगी, इंसान को पसीना बहुत ज़्यादा आएगा। फटीक कंडीशन होगी, यानी कि ये बहुत जल्दी थकान महसूस करता रहेगा। इसमें हीट इनटॉलरेंस, बिल्कुल ही गर्मी सहन करने की क्षमता इसके अंदर नहीं होगी। हाई ब्लड प्रेशर का रोगी होगा ये, ठीक है। इसकी हार्ट रेट जो होगी वो काफ़ी फास्ट होगी, इरेगुलर हार्ट बीट होगी, कब ज़्यादा हार्ट बीट देखने को मिलेगी, ठीक है। मूड्स जो रहेगा उसमें एनेक्सिटी या नर्वसनेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इनकी इसकी जो आंखें होगी वो पफ़ी आईज होगी और स्किन पफ़ी स्किन होगी। दीज आर द वेरियस सिम्टम्स ऑफ ग्रेव्स डिजीज़, ठीक है। और अब हम आगे चलें, हाइपोथायराइडिज्म, यानी कि जब थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन बहुत कम मात्रा में हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या डिजीज़ हो जाएगी? मिक्सेडेमा। अब मिक्सेडेमा के क्या सिम्टम्स होंगे? वीकनेस होगी, इंसान जो होगा वो लेथार्जिक होगा, कंफ्यूजन रहेगा इंसान, नॉन रेस्पॉन्सिवनेस देखने को मिलेगा इसमें, है ना। ये कोल्ड फीलिंग करेगा इंसान, हमेशा कोल्ड फीलिंग होगी इसमें। लो बॉडी टेम्परेचर, इसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से काफ़ी मतलब हमेशा कम दिखाई देगा। स्वेलिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी में स्वेलिंग दिखाई देगी, स्पेशली द फेस टंग एंड लोअर लेग्स जो हैं उसमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी। और डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होगी। तो ये मिक्सेडेमा के सिम्टम्स होंगे। अब चले हम एड्रेनल ग्लैंड के बारे में। तो एड्रेनल ग्लैंड जो है ये एड्रेनलिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। अगर एक्सेसिव सिक्रेशन हुआ तो इसमें क्या होगा? नर्वसनेस होगी, स्वेटिंग होगी, हाइपरटेंशन होगी, ये कंडीशंस आगे। कोई डिजीज़ नहीं है स्पेशली, ठीक है। लेकिन यदि हाइपोसिक्रेशन होता है, यानी कि इनसफिशिएंट सिक्रेशन होता है, तो एडिसन्स डिसीज़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एडिसन्स। तो एडिसन्स डिसीज़ के क्या सिम्टम्स होते हैं? इसमें पर्सन को एब्डोमिनल प्लेन होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, यानी कि उसके पेट वगैरह में लगातार दर्द की शिकायत बनी रहेगी। वीकनेस होगी उसमें, उसका वेट लॉस होगा लगातार, जैसे हर बार जब वो वेट करवाता है तो उसको कम वेट मिलेगा, ठीक है, बढ़ता हुआ वेट नहीं मिलेगा या कांस्टेंट नहीं मिलेगा, वेट लॉस होगा। और डार्कनिंग ऑफ द स्किन, उसकी स्किन जो होगा लगातार डार्क होती दिखाई देगी। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एडिसन्स डिसीज ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन और इनसफिशियंट सिक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन हार्मोन। अब हम बात करें पेनक्रियास की, तो पेनक्रियास जो होता है वो इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। लेकिन इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन यदि ज़्यादा हो गया, ज़रूरत से ज़्यादा हो गया, तो ऐसी कंडीशन में हाइपर इंसुलिज्म जिसको अपन कहेंगे, क्या कहेंगे? हाइपर इंसुलिज्म। अब हाइपर इंसुलिज्म होगा तो सिंपल सी बात यह है कि इंसुलिन क्या काम करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। तो ग्लूकोज को जब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, अगर एक्सेस ग्लूकोज होगा तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। लेकिन भाई ज़्यादा इंसुलिन बन गया तो वो क्या करेगा? क्योंकि बहुत सारा जो आपने खाना खाया, ग्लूकोज को डायरेक्टली सारे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, तो इंसान को हमेशा भूख ही लगती रहेगी, वो कभी सटाइटी या सेटिस्फेक्शन वाली कंडीशन उसमें आएगी नहीं, ठीक है। और अब यदि इसका हाइपोसिक्रेशन होता है, कम सिक्रेशन होता है, इनसफिशियंट सिक्रेशन होता है, तो डायबिटीज़ मेलिटस होगा। क्या होगा? डायबिटीज़ मेलिटस होगा, यानी कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा जो है, ग्लूकोज का परसेंटेज है, वो बढ़ने लगेगा, है ना। ब्लड शुगर लेवल जो है वो लगातार बढ़ने लगेगा, तो ऐसी कंडीशन को अपन बोलेंगे डायबिटीज़ मेलिटस, ठीक है। सो दिस इज़ दिस पर्टिकुलर पार्ट जो अभी अभी हमने डिस्कस किया है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। क्यों? क्योंकि हार्मोन्स के बारे में भाई एक सिंपल क्वेश्चन बनेगा तो हार्मोन का नाम पूछ लेगा, उसका फंक्शन पूछ लेगा, लेकिन थोड़ा सा अगर उसको ट्विस्ट करना है तो फिर वो पूछेगा कि भाई ये हार्मोन इसकी हाइपर सिक्रेशन से क्या कंडीशंस होगी, हाइपो सिक्रेशन से क्या कंडीशंस होगी। तो यहाँ पर ये बात जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कि भाई आपसे थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। अब पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, ठीक है, और एड्रेनलिन हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन क्यों कहते हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस चैप्टर में मतलब इस टॉपिक में हमारा ये मैक्सिमम पार्ट हमने यहाँ पर कवर कर लिया है, एंडोक्राइन सिस्टम।
कवर कर लिया है, और उसके डिफरेंट हार्मोन्स, उनके फंक्शंस, उनकी हाइपर सिक्रेशन से होने वाले सिम्टम्स यानी कि डिजीजेस एंड हाइपो सिक्रेशन से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो गए वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये हमने ये पार्ट कवर कर लिया है। आज के लिए इतना ही। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप इस वीडियो को सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो नोट्स बनाते जाइएगा। नोट्स कंप्लीट करने के तुरंत बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करिए, वहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ठीक है। यदि कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो ज़रूर बताएँ, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।